डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला के बाहर छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों में भारी फीसों व उनकी मनमानी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र अभिभावक मंच ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग पर निजी स्कूलों को खुली छूट देने का आरोप भी लगाया। छात्र अभिभावक मंच ने प्राइवेट स्कूलों में भारी फीसों व उनकी मनमानी को रोकने के लिए डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मंच का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्राइवेट स्कूलों की लूट व मनमानी के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव से मिलेगा व इनकी मनमानी को रोकने व फीसों को निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की मांग करेगा। उन्होंने मांग की कि 3 वर्ष पूर्व उपायुक्त शिमला द्वारा प्राइवेट स्कूलों की रेगुलेशन को लेकर एसडीएम शिमला की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लगातार कह रहे हैं कि शिमला शहर के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल जो है लगातार एक अपनी मनमानी कर रहे हैं, सीबीएसई की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून जो 2006 का है उसको नहीं मानते हैं, खुली लूट जो है पेरेंट्स की कर रहे हैं, अभिभावकों की कर रहे हैं, मनमानी फीसें लाते हैं। जिस तरीके से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों को 25% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, प्राइवेट स्कूलों में बसों का अपना कोई इंतज़ाम नहीं है, और हम ये भी देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से किताबों के नाम पर और ड्रेस के नाम पर छात्रों से, अभिभावकों से हज़ारों रुपये की लूट की जाती है, आए दिन जो स्कूलों के अंदर कार्यक्रम किए जाते हैं उन कार्यक्रमों के अंदर जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो MRP से भी 4 गुना ज़्यादा जो रेट वसूले जाते हैं, तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी दादागिरी जो है स्कूलों की चल रही है, और इन स्कूलों की दादागिरी पर जो है हमारा जिला प्रशासन वो भी खामोश है, हमारी प्रदेश की सरकार भी खामोश है। वहीं मंच की सह संयोजक बिंदु जोशी ने कहा कि स्कूल कार्यक्रमों में छात्रों व अभिभावकों से भारी लूट कर रहे हैं व वस्तुओं की कीमत MRP से भी 4 गुना ज्यादा वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में भारी धांधली की जा रही है व हजारों अभिभावकों से लाखों रुपए की लूट प्रोस्पेक्टस के जरिए की जा रही है। वहीं सिटी चैनल से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि CPIM ने पिछले 5 सालों में कोई प्रयास नहीं किया, और अब जब भाजपा की सरकार निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाने जा रही है तो CPIM इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए जनता के बीच उठा रही है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को ये समझना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में 100% सक्षम हैं। आज तक तो CPIM ने कभी जो है वो इस प्रकार का प्रयास किया ही नहीं। 5 साल उस नगर निगम में भी रहे, तभी कोई प्रयास नहीं किया। अब हमने प्रारंभ किया है स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि के जो निजी स्कूल हैं उसके बारे में हम कोई रेगुलेटरी कमीशन बनाएंगे, इसकी चर्चा हो रही है विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी। तो उन्होंने, उनका तरीका है कि उससे जो है वो कोई ना कोई फायदा उठाने का प्रयास करें, तो इस प्रकार के धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।